हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि मैं बैक के वर्कआउट पे कब वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बैक का वर्कआउट। और बैक की जो मेजर मसल होती है उसका नाम है लैटिसमस डॉर्सी, एक बटरफ्लाई शेप की बिग मसल होती है, इसको हम लैट भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं और आज भी हम लोग करेंगे हर वर्कआउट के 3 सेट्स। हर सेट में वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और हर सेट के बीच में लेंगे 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट। So guys, with that, let's get started. बैक का फर्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे लैट पुल डाउन, और उसके लिए लिए हैं मैंने 90 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स। इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए दोनों हैंडल्स को ऐसे होल्ड करने के बाद फ्लोर पे ऐसे बैठ जाएं। उसके बाद अपनी बैक मसल को एंगेज करते हुए दोनों हैंडल्स को अपनी शोल्डर लेंथ तक पुल करें। इस वर्कआउट में ध्यान रहे कि नीचे लाते वक्त हमें बैक की मसल्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ऊपर ले जाते वक्त हमें तब तक रिलीज करना है जब तक कि हमारी जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट ना हो जाएं। जैसा कि इस वर्कआउट का नाम है लैट पुल डाउन, ये वर्कआउट हमारे लैटिसमस डॉर्सी मेजर मसल को टारगेट करती है। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी और हमारी नेक और बैक दोनों एक सीध में रहेंगी थ्रू आउट द वर्कआउट। बैक का दूसरा वर्कआउट हम लोग करेंगे सीटेड रोइंग, और उसके लिए लिए हैं मैंने सेम 90 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के बॉटम में। इस वर्कआउट में भी हमें फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है, यानी कि पीछे पुल करते वक्त बैक की मसल्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है और आगे जाते वक्त हमें एल्बोज के स्ट्रेट हो जाने तक रिलीज करना है। इस वर्कआउट में एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आगे आते वक्त हमें हमारी अपर बॉडी को मूव नहीं करना है, केवल आर्म्स को आगे ले जाना है, अपर बॉडी स्टेशनरी रहेगी। बैक का तीसरा वर्कआउट हम लोग करेंगे फेस पुल, और उसके लिए लिए है मैंने 50 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स। इसमें एंकर का प्लेसमेंट हमारे फेस की सीध में रहेगा। एक बात आपने गौर की होगी कि मैंने इस वर्कआउट में हैंडल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज विदाउट हैंडल्स इस वर्कआउट की ग्रिप ज्यादा अच्छी आती है। इस वर्कआउट की करेक्ट फॉर्म के लिए हमें पुल करते वक्त फोरहेड की हाइट तक पुल करना है, और रिलीज करते वक्त हमें एल्बोज को स्ट्रेट हो जाने तक रिलीज करना है। यह वर्कआउट हमारे रियर डेल्टॉइड्स और ट्रैप्स, यानी कि अपर बैक को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। बैक का फोर्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे रिवर्स फ्लाइज, और उसके लिए लिए है मैंने 20 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स। इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के मिडल में। इस वर्कआउट की करेक्ट फॉर्म के लिए दोनों हैंडल्स को वर्टिकली होल्ड करें, और उसके बाद अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए दोनों हैंडल्स को अपनी शोल्डर हाइट तक पुल करें। यहाँ भी हम फुल रेंज ऑफ मोशन रखेंगे, यानी कि पीछे आते वक्त मसल्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे ले जाते वक्त पूरी तरह स्क्वीज करेंगे, ताकि जो हमारी बैक की मसल्स हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट हो सकें। इस वर्कआउट में मेजरली हम रियर डेल्टॉइड्स और अपर बैक को टारगेट करते हैं। बैक का फिफ्थ और लास्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे डेडलिफ्ट, और उसके लिए मैंने स्टैक किए हैं 80 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स। इस वर्कआउट में आपकी करेक्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज इनकरेक्ट फॉर्म से आपकी लोअर बैक इंजर्ड हो सकती है। करेक्ट फॉर्म के लिए बैंड्स को अपने दोनों पैरों के नीचे ऐसे रखें, और जितना हो सके बैंड्स को उतना नीचे से होल्ड करें। उसके बाद अपनी पीठ को स्ट्रेट रखते हुए धीरे से सीधे खड़े होने की कोशिश करें। इस वर्कआउट में एक बात का ध्यान रहे कि जो हमारे ग्लूट्स हैं, यानी कि जो हमारे हिप्स हैं, वो हमारे शोल्डर के नीचे रहेंगे थ्रू आउट द वर्कआउट। और क्योंकि ये लोअर बैक और ग्लूट्स का वर्कआउट है, तो ऊपर आते वक्त हमें लोअर बैक और ग्लूट्स की मसल्स को यूज करना है, ना कि हमारे आर्म्स की मसल्स को। अगर आप किसी सिटिंग जॉब में हैं, दिन भर लैपटॉप या सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं, तो इस वर्कआउट को आप जरूर करें, बिकॉज ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है।
सो गाइज, इस वर्कआउट के साथ बैक का वर्कआउट फिनिश होता है और आज का वीडियो भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।